वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम सीखेंगे कि आप अपने विंडोज को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से विंडो करवाई है या आपने अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पे किसी भी चीज़ पे आपने विंडो की है, तो उस पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि एक्टिवेट विंडोज या गो टू सेटिंग्स। अगर मैं फर्दर आपको डिटेल में बताऊँ तो अगर आप यहाँ पर्सनलाइज में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बताते हैं कि आपको अपने पहले विंडोज एक्टिवेट करनी है, तभी आप अपना वॉलपेपर सेट कर पाएंगे। मेरी विंडो एक्टिवेट हुई हुई है, इस वजह से यहाँ पे वो नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी विंडोज एक्टिवेट कैसे करनी है, स्पेशली विंडोज 10 के मैं बारे में बता रहा हूँ। लाइफ टाइम के लिए आपको कैसे करना है, अपनी विंडोज को एक्टिवेट कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्रोम ओपन कर लें अपना, आप कोई भी अपना क्रोम ओपन कर सकते हैं। मैं अपना क्रोम ओपन कर सक करता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विंडोज 10 एक्टिवेशन बैच फाइल, लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। विंडोज 10 ये देखें, एक्टिवेशन बैच फाइल गिट हब, ये आपने जरूर लिख लें, विंडोज 10 एक्टिवेशन बैच फाइल गिट हब आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये जो पहला लिंक होगा गिट हब वाला, ये विंडोज 10 एक्टिवेशन बैच फाइल गिट हब वाला, इस पे आपने क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो हमें एक कोड देंगे, देखिए ये कोड आ गया हमारे पास। ये अब हमने कॉपी कर लेना है इसे, तो हम इसे पहले कॉपी करते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ तक, इसे हमने कॉपी करना है। आप गौर से देख लें, यहाँ से आपने करना है @echo से लेकर और आपने नीचे फुल 00 तक आपने कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया, अब मिनिमाइजेशन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपने आना है नोट पैड में, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे Windows+R। विंडोज प्लस आर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोट पैड मैंने लिखा था, नोट पैड, यहाँ पे नोट पैड पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, नोट पैड आ गया। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि जो आपने कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। वो ये हो गया पेस्ट, ये ले जी पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब हमें इसे सेव करना है, इसे फाइल बनाकर सेव करना है। आप यहाँ फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाकर सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का ओपन होगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज देखने वाली है कि आपने इसे नेम देना है फर्स्टली, और सेकंड पे यहाँ पे UTF-8 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे विंडोज को एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप ये ANSI वाला ऑप्शन देखेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी करेंगे तो आप विंडोज एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने ANSI आपको सिलेक्ट करके दिखा दिया है। और यहाँ पे अब हमें नेम देना है, नेम इस तरह का देना है कि उसमें डॉट भी लगाना है और इस तरह का देना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि Saqib2.BAT जरूर लगाना है। BAT अगर नहीं लगाएंगे, बैट अगर नहीं लिखेंगे डॉट लगाकर, तो आपकी फाइल उस तरह की नहीं बन पाएगी जिस जो आपको आपकी विंडोज को एक्टिवेट कर पाए। तो डॉट बैट जरूर लगाना है क्योंकि ये बैट फाइल है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको मैंने ये भी बता दिया कि ANSI ये जरूर लगाना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। सेव करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये अब आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, इसे मिनिमाइज करते हैं। तो अगर आपने जो फाइल सेव किया उस पर इस तरह का आइकन बना है तो आपकी फाइल से ही सेव हुई है, जो आपकी विंडोज को एक्टिवेट कर सकती है। वरना मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, अगर आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस तरह करते हैं कि सेव एज में जाते हैं और यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल साकी वैसे ही लिख दिया, ठीक, तो ये साकी हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे ANSI वैसे भी वैसे ही ANSI ही लगा दें, लेकिन अगर आपने टू डॉट बैट नहीं लगाया, आपकी फाइल इस तरह से सेव होगी। ये देखें, अब इस पे वो सेटिंग्स वाला आइकन वगैरह नहीं बना हुआ,
तो इसका क्या मतलब है कि ये आपकी फाइल विंडोज को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, मगर जो हमने पहले टू डॉट बैट लगाई थी वो आपकी विंडोज को एक्टिवेट कर पाएगी। सो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब इस पे जाते हैं, अब इस पे आपने ऑप्शंस निकालने हैं। अब इसे करना है आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करेंगे। तो ये देखें विंडोज 10 एक्टिवेशन, ये अब एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई है। ये अब आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये जल्दी एक्टिवेट कर देगा। पहली एक आध बार यहाँ पे लिखा आएगा कि जो सर्वर है फेल्ड हो गया ये वो, बट ये आपकी विंडोज को एक्टिवेट कर देगा। भी आप, मेरी तो एक्टिवेट हुई हुई है। सो ये था प्रोसीजर जिसके थ्रू आप अपनी विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ द लक, और अगर कोई आपको इश्यू है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ये देखें मैंने आपको बताया ना कि सर्वर फेल्ड हो गया, मगर ये हो जाएगा आपका, ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरी तो हुई हुई है, इस वजह से शायद ये आ रहा है, एक्टिवेट हुई हुई है। सो आपका ये आपने इसी तरह करना और आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी।